हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ बैड बडी द सीरीज के एपिसोड 9 के सेकंड पार्ट को। और फ्रेंड्स, इस वीक बैड बडी का 10th एपिसोड टेलीकास्ट नहीं होगा और 10th एपिसोड अब नेक्स्ट वीक को टेलीकास्ट होगा। ओके, तो इस वीक बैड बडी का कोई भी वीडियो नहीं आ पाएगा। तो बिना देर के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जब उस लड़के और वाई के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा था और कौन वाई को वहाँ से लेकर जाता है। आगे हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पैट को प्राण के रूम पे दिखाया जाता है और जहाँ प्राण पैट के बालों को सुखा रहा होता है, पर पैट बिल्कुल भी शांत नहीं बैठ रहा होता। प्राण उसे बोलता है कि पैट ने तो फील्ड पे बहुत सारे प्लेयर्स को हराया है, पर यहाँ वो क्यों हार गया। पैट उसे कहता है कि वो लोगों को अपनी वीकनेस नहीं दिखाना चाहता, उसने बस अपने बॉयफ्रेंड के लिए उसे सेव करके रखा है कि बस प्राण ही उसे देख सके। प्राण उसकी बात सुनकर स्माइल करता है। पैट उसे बोलता है कि बॉयफ्रेंड्स तो इसीलिए होते हैं। प्राण उसे यस बोलता है और कहता है कि पैट के बाल अब सूख चुके हैं, तो पैट अब उससे दूर हटे। पर पैट उसे कहता है कि उसके बैक में बहुत पेन हो रहा है और वो उठ भी नहीं पा रहा, तो क्या प्राण उस पर मेडिसिन लगा देगा। प्राण बोलता है कि वो अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि पैट हमेशा उसे कुछ न कुछ करने को कहता रहता है। पैट बोलता है कि पैट को चोट लगी है तो प्राण बस उसकी हेल्प करे। प्राण उसे पूछता है कि उसे दर्द कहाँ हो रहा है। पैट उसे अपना शोल्डर बताता है तो प्राण उसे वहाँ पे मेडिसिन लगाने लगता है, पर पैट ये सब एंजॉय कर रहा होता है और वो प्राण को अलग अलग जगह दर्द बताने लगता है। तो प्राण उसे मेडिसिन लगाने लगता है। प्राण बोलता है कि क्या हो गया, पर पैट बोलता है कि उसके कमर में भी बहुत ज्यादा दर्द है और प्राण उसे वहाँ मेडिसिन लगाने लगता है। तो पैट उसके करीब आकर उसे देखकर बोलता है कि हाँ वहीं पर, और वो स्माइल करने लगता है। तो प्राण समझ जाता है कि पैट ये सब बस एक्टिंग कर रहा है, तो वो पैट को मेडिसिन लगाने लगता है, पर फिर वो अपने पैरों से उसे मसाज देने लगता है और पैट को बहुत चोट लगने लगती है, बट फिर भी वो बोलता है कि उसे अच्छा लग रहा है। और वो जैसे ही मुड़कर देखता है कि प्राण अपने पैरों से उसे मसाज दे रहा होता है और वो बोलता है कि ये सब क्या है, क्या प्राण ने अपने बॉयफ्रेंड के बैक को अपने पैरों से मसाज दिया। प्राण उसे बोलता है तो क्या हुआ, और पैट उसे अपने पैर से मारता है। प्राण उसे बोलता है कि पैट झूठा है, उसने प्राण को उल्लू बनाया बस उससे अपना काम करवाने के लिए, और वो दोनों एक दूसरे को टांगे मार रहे होते हैं। तभी प्राण उसे बोलता है कि पैट ने उसे बोला था कि उसके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है और उसे चोट लगी है। पैट कहता है कि वो भूल गया कि उसके पैरों पे चोट लगी है, और ये बोलकर वो दर्द की एक्टिंग करने लगता है। प्राण बोलता है कि पैट फिर से एक्टिंग कर रहा है। पैट उसे कहता है कि किसी ने उसे गिरा दिया था। प्राण कहता है कि वो बच्चों जैसे ना करे, वो बस एक झूठा है। पैट बोलता है कि हाँ, और प्राण भी, कि प्राण भले ही कंप्लेन कर रहा है पर उसकी आंखें स्माइल कर रही है और पैट इस बात को लेकर श्योर है कि प्राण को ये सब पसंद है। प्राण बोलता है कि पैट को ये सब पसंद है। पैट कहता है कि उसके पैरों में दर्द है तो उसे अब ऊपर बैठना चाहिए। ये बोलकर वो बेड पे बैठ जाता है और वो प्राण से कहता है कि क्या प्राण को ऐसा लगता है कि पैट को आज यहाँ पे रुकना चाहिए और क्या इसके बदले उसे अपने बॉयफ्रेंड से यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा। प्राण कहता है कि पैट किस बारे में बात कर रहा है, और पैट प्राण के ऊपर आने लगता है, पर प्राण उसे नो बोलता है, पर पैट उसके ऊपर आ जाता है। प्राण कहता है कि पैट लेट नहीं होना चाहेगा। पैट उसे कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो लेट हो जाए, पर प्राण उसे बोल रहा होता है कि पैट लेट हो जाएगा। पैट बोलता है पर उसे अपने बॉयफ्रेंड से रिवॉर्ड चाहिए, पर प्राण उसे दूर हटने के लिए बोल रहा होता है, और तभी कौन डोर पे नॉक करने लगता है और पैट बिल्कुल चुप हो जाता है। प्राण बोलता है कि उसका फ्रेंड आया है तो वो जाकर गेट खोले, पर पैट बोलता है कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं मिल रहा, पर प्राण उसे गेट खोलने को कहता है। पैट बोलता है कि क्या वो बाद में गेट नहीं खोल सकता, और वो प्राण के करीब आने लगता है, पर प्राण उसे किस करता है और बोलता है कि वो जाकर अब गेट खोल दे। पैट उसे बोलता है कि प्राण उसका यहीं पर वेट करे। ये बोलकर वो गेट खोलने के लिए जाता है और प्राण स्माइल करने लगता है। फिर पैट वापस आता है। कौन उसे बोलता है कि उसे गेट खोलने में इतना टाइम क्यों लगा और उसने कपड़े क्यों नहीं पहने। पैट आकर बेड पे लेट जाता है ये बताने के लिए कि गेट खोलने में इतनी देर क्यों हुई। कौन प्राण को बेड पे देखकर बोलता है कि उसे पता था कि गेट खोलने में पैट को इतना टाइम क्यों लगा, और ये कहकर वो पैट को इशारे से पूछने लगता है, पर पैट और प्राण दोनों उसे बोलते हैं कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो कौन उन्हें सॉरी बोलता है और प्राण पैट को कपड़े पहनने को बोलता है कि कौन उसका वेट कर रहा है, और अगर पैट ज्यादा ड्रिंक कर ले तो वो ड्राइव ना करे
ये बोलकर वो बाहर चला जाता है। पैट कॉन से बोलता है कि वो कुछ पहन लेता है कि इससे पहले कि उसकी वाइफ अपना मन बदल ले। प्राण बोलता है कि किसकी वाइफ और कौन उन दोनों को फाइट करने से मना करता है और वो वॉशरूम में जाता है। प्राण पैट को बोलता है कि वो ध्यान रखे, तो पैट प्राण के करीब आने लगता है पर प्राण उसे कपड़े पहनने को बोलता है। दूसरी तरफ हमें वाई के बार का सीन दिखाया जाता है और वहीं दूसरी टीम के लड़के आते हैं। वो सभी मिलकर वाई की तरफ देखने लगते हैं। फिर वाई पीछे वाली गेट से बाहर निकलता है तो वो लड़का आकर उसे बोलता है कि वो फील्ड में तो बहुत ज्यादा बोल रहा था पर अब वाई अकेला है और उन दोनों में आगे होने लगता है। वो लड़का वाई को धक्का मारता है तो वाई भी उसे धक्का मारता है। वो लड़का बोलता है कि वाई ने अपनी मुसीबत को बुलाया है और वाई उसे फिर से कुछ बोलकर देखे पर वाई उसे जवाब देने लगता है तो वो लड़का अचानक से गन निकाल कर वाई पे लगाता है जिससे वाई घबरा जाता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और बार में पैट और उसके फ्रेंड्स को साथ में सेलिब्रेट करते हुए दिखाया जाता है। कौन कहता है कि पैट पहला इंसान नहीं है जिसे आर्किटेक्ट के स्टूडेंट से प्यार हुआ हो। पैट कहता है तो क्या कौन को भी किसी में इंटरेस्ट है। कौन बोलता है कि उसे एक आर्किटेक्ट के स्टूडेंट पे क्रश है। फिर वो बोलता है कि वो मजाक कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का जमीन पे ड्रिंक फेंक देता है और वो वाई को साफ करने को बुलाता है। वाई वहाँ पे साफ करने के लिए जाता है और पैट और उसके फ्रेंड्स ये सब देख रहे होते हैं। वाई वहाँ पे साफ कर रहा होता है पर वो लड़का और भी ड्रिंक वहाँ पे फेंकने लगता है पर पैट को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ जाने लगता है पर उसके फ्रेंड्स वहाँ जाने से उसे रोकते हैं ये कहकर कि ये वाई का मैटर है तो वो इन सब चीजों में ना फंसे और पैट इन सारी चीजों से दूर रहे। पैट गुस्से में बैठ जाता है पर वो लड़का वाई को बहुत ज्यादा परेशान करने लगता है जिससे पैट वहाँ पे चला जाता है और उस लड़के के हाथ पे धक्का मारता है जिससे वो ड्रिंक उसके ऊपर गिर जाता है और बोलता है कि गलती से हुआ और पैट ने ये जानबूझकर नहीं किया। वो लड़का बोलता है कि यहाँ पे कोई भी रेफरी उसकी हेल्प के लिए नहीं आएगा। पैट कहता है तो फिर ये अच्छी बात है तो पैट जो भी चाहे कर सकता है। वाई उसे हटाने लगता है पर पैट वाई को दूर हटा देता है और तभी पैट के सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं और उसे टेबल पे वापस चलने को कहते हैं पर पैट उनसे खुद को छुड़ा कर उस लड़के को धक्का मार कर वहाँ से जाता है और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और उनके तरफ देख रहा होता है। इसके बाद पैट पार्किंग वाली जगह पे जाता है जहाँ पे वो लड़का अपने फ्रेंड्स के साथ आता है और कहता है कि क्या पैट अपने घर जा रहा है। पैट बोलता है कि क्या वो नहीं मानेगा और वो लड़का पैट की तरफ बढ़ने लगता है पर तभी पैट उसे एक किक मारता है और उन सब में हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी पैट के फ्रेंड्स भी वहाँ पे आ जाते हैं और सभी फाइट करने लगते हैं पर तब तक वो लड़का गन निकाल लेता है और पैट उसे हटाने जाता है और उसके हाथों से गन लेने की कोशिश करता है और किसी का भी उन पे ध्यान नहीं जाता बिकॉज सभी फाइट कर रहे होते हैं और तभी वो लड़का गन चला देता है और पैट वहीं पे गिर जाता है। वो सारे लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। पैट के फ्रेंड्स उसके पास बैठ जाते हैं और उसे उठाने लगते हैं और पैट को गोली लगी होती है। आगे प्राण को हॉस्पिटल आते दिखाया जाता है और तभी पैट के फ्रेंड्स रूम से बाहर निकलते हैं। वो प्राण को बोलते हैं कि वो घबराए नहीं। प्राण बोलता है पर क्यों? क्या बहुत ज्यादा बुरा हुआ है? चैंग कहता है कि पैट को गोली लगी है, वो अंदर जाकर खुद देख सकता है। प्राण उनकी बातें सुनकर घबरा जाता है और वो जल्दी से अंदर जाता है। वो वहाँ पैट को बेड पे लेटे देखता है। वो पैट से पूछता है कि क्या वो ठीक है पर पैट कुछ धीरे धीरे कह रहा होता है तो प्राण उसके करीब जाता है पर पैट उसके चिक पे किस कर लेता है और पैट के फ्रेंड्स बाहर खड़े हंसने लगते हैं। मो कान लगाकर गेट पे सुनने जाता है पर कौन और चैंग उसे मना करते हैं और कहते हैं कि वो उन्हें प्राइवेसी दे। फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। प्राण पैट से बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है। पैट बोलता है कि उसे अभी सबसे ग्रेट मेडिसिन मिला है तो वो पूरी तरह ठीक हो गया। प्राण बोलता है अच्छा या फिर उसे फिर से जख्मी होना है। ये बोलकर वो पैट को मुक्का दिखाता है। पैट बोलता है कि प्राण बेवकूफ बन गया। प्राण बोलता है कि उसके फ्रेंड्स ने उसे बताया कि पैट को गोली लगी है। पैट बोलता है हाँ पर उसे ज्यादा चोट नहीं आई और वो प्राण के गाल पे हाथ रखकर कहता है कि क्या प्राण पैट के लिए डर गया था। प्राण उसे यस बोलता है और कहता है कि वो सोच रहा था कि गोली बस जरा सी छूकर क्यों चली गई, उसे तो सीधे सर पे लगना चाहिए था और पैट को बहुत मजाक सोच रहा है पर पैट लकी है कि कुछ भी ज्यादा सीरियस नहीं हुआ। पर तभी वहाँ पे पुलिस आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें गन मिली है जिसपे सारे पैट के फिंगरप्रिंट्स है तो पैट को अरेस्ट किया जाएगा क्योंकि वो पैट की गन है, जिससे पैट और प्राण घबरा जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। आगे प्राण को कैफे में टेंशन में बैठे दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे वाई और उसके फ्रेंड्स आते हैं। वाई बोलता है कि उसने सभी को बताया कि पैट ने लास्ट नाइट उसकी कितनी हेल्प की थी।
लुईस और सेफ प्राण से पूछते हैं कि पैटअप कैसा है। प्राण कहता है कि उसकी कंडीशन ठीक है पर उसे अरेस्ट किया जाएगा क्योंकि उसके पास गन था। वो गन पैट का नहीं था पर उसपे पैट के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं तो बिना किसी प्रूफ के उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। और ये बात सुनकर उसके फ्रेंड्स टेंशन में आ जाते हैं। वाई कहता है पर सीसीटीवी कैमरे पे कुछ तो दिखा होगा। प्राण बोलता है कि पुलिस ने सब कुछ चेक किया पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला क्योंकि कैमरा बस बार के अंदर था और पार्किंग वाले जगह पे नहीं। जिसे सुनकर वाई सोचने लगता है। आगे हमें वाई को बार में दिखाया जाता है और वो उसी वॉशरूम वाली जगह पे खड़ा होता है जहां उस लड़के ने उसे गन दिखाया था। और वाई ऊपर देखता है कि वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। फिर वो सीसीटीवी कैमरे पे चेक करता है जहां उसे फुटेज मिल जाता है जब उस लड़के ने वाई को गन दिखाया था। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें प्राण को हॉस्पिटल जाते दिखाया जाता है और वो बहुत उदास होता है कि तभी उसके पास वाई वो वीडियो भेजता है और प्राण उस वीडियो को देखकर स्माइल करने लगता है। फिर प्राण भागकर हॉस्पिटल के अंदर जाता है और तभी पुलिस भी आते हैं और वो लिफ्ट में चले जाते हैं। प्राण भागकर लिफ्ट के पास जाता है पर लिफ्ट तब तक जा चुकी होती है तो प्राण सीढ़ियों से ऊपर जाता है और रूम पे पैट पुलिस को कह रहा होता है कि वो गन उसका नहीं है और उसने कुछ भी नहीं किया। तभी वहाँ पे प्राण पहुँच जाता है और वो पुलिस को वो वीडियो दिखाता है और वो पैट के तरफ देखकर स्माइल करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्राण पैट के पास बैठा उसे जूस पिला रहा होता है और कहता है कि पैट अब कैसा है, उसे तो ऑलमोस्ट अरेस्ट कर लिया गया था। पैट बोलता है कि वो बहुत ब्लेस्ड है कि उसके पास इतना अच्छा बॉयफ्रेंड है और ये कहकर वो प्राण के डिम्पल्स को टच करने लगता है और कहता है कि उसे चोट पे दर्द हो रहा है। पर प्राण उसके हाथ पे मारने लगता है और वो उसे कंटिन्यू मार रहा होता है कि तभी प्राण के पास वाई का वीडियो कॉल आता है। वाई प्राण से पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। प्राण बोलता है कि पैट को अरेस्ट नहीं किया गया और वो वाई को थैंक यू बोलता है। वाई पैट से पूछता है कि वो कैसा है, क्या वो मर रहा है। पैट बोलता है कि पैट को हीरो जैसे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं थी वाई को बचाने के लिए, वो क्रिमिनल बनते बनते बचा है। वाई उसे बोलता है कि हाँ, और नेक्स्ट टाइम वो इन सारी चीजों में इन्वॉल्व ना हो वरना वाई का फ्रेंड ऑलमोस्ट विडो बन गया था। प्राण बोलता है कि वो बकवास ना करे और पैट वाई को थैंक यू बोलता है। वाई बोलता है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए वरना प्राण को कोई न्यू लवर मिल जाएगा। पैट कहता है कि वो अपने वाइफ को जानता है कि वो उसके साथ कितना फेथफुल है। वाई कहता है कि उसे ये सारी बातें सुनकर तो वॉमिट आने लगी है। ये बोलकर वो कॉल कट करता है। प्राण पैट को बोलता है कि पैट का वाइफ कौन है और क्या प्राण को वाइफ बोलकर वो खुद को बहुत ज्यादा बेहतर फील करता है। पैट उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और बोलता है कि प्राण उसकी ये सारी बातों को सीरियसली क्यों ले रहा है और प्राण भी उसे वाइफ बोल सकता है। तो प्राण उसे बोलता है कि उसकी वाइफ कैसी है और क्या वो अब अच्छा फील कर रहा है। पैट बोलता है कि उसे बस बहुत प्यास लगी है और उसे हबी बोलता है और वो दोनों हंसने लगते हैं। प्राण बोलता है कि उसे एक दूसरे को वाइफ और हस्बैंड बोलने की जरूरत नहीं है। पैट उसे सॉरी कहता है और कहता है कि उसे लगा कि इससे लगेगा कि वो दोनों बहुत क्लोज आ चुके हैं। प्राण कहता है कि वो पैट से गुस्सा नहीं है और वो दोनों वैसे ही बहुत क्लोज आ चुके हैं। प्राण वैसे ही बहुत ज्यादा ब्लश करता है जब भी पैट उसे अपना बॉयफ्रेंड बोलता है तो पैट उसे प्यार से बॉयफ्रेंड बोलने लगता है और उसके गालों पे अपना हाथ रखता है और कहता है कि प्राण कितना क्यूट है। इसके बाद इवनिंग हो जाती है और प्राण अब भी उसके पास बैठा होता है। प्राण पैट से कहता है कि वो स्माइल क्यों कर रहा है। पैट उसे थैंक यू बोलता है। प्राण कहता है कि उसे अब जाना होगा। ये बोलकर वो उठता है पर पैट उसके हाथ को पकड़ता है और उसके हाथों पे किस करता है। प्राण बोलता है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि वो दोनों जल्द एक दूसरे को फिर से देखने वाले हैं और वो पैट से पूछता है कि क्या पैट यहाँ पे ठीक से रह पाएगा। पैट उसे नो बोलता है। प्राण बोलता है कि पैट झूठ ना बोले और ये कहकर प्राण जाने लगता है पर पैट उसे बॉयफ्रेंड कहकर पुकारने लगता है और प्राण ब्लश करने लगता है। पैट बोलता है कि उसका बॉयफ्रेंड जरूर ब्लश कर रहा है और वो ये बात जानता है पर प्राण उसे कुछ नहीं कहता और वो वहाँ से चला जाता है और पैट उसे कंटिन्यू बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड कर रहा होता है। प्राण रूम से बाहर निकलता है और वो ब्लश कर रहा होता है पर वो जैसे ही मुड़कर देखता है वो चौंक जाता है क्योंकि सामने पैट के पेरेंट्स पा के साथ खड़े होते हैं और पा भी उसे देखकर घबरा जाती है और पैट के मॉम डैड प्राण की तरफ देख रहे होते हैं और जिससे प्राण बिल्कुल घबरा जाता है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।